नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह कोमल आप सभी दोस्तों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं तथा चैनल युवा हिंदुस्तानी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी दर्शकों के सामने मुझे पुनः प्रस्तुत होने का मौका मिला। मैं प्रेम के कुछ मुक्तक और एक कविता के साथ आया हूं आप सबके सामने। कभी प्रेम में ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग आपके बिना रह नहीं पाते, और कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि छोड़ के चले जाते हैं। एक मुक्तक कि एक दृष्टि पड़ते ही ये जिंदगी निखरती गई, एक दृष्टि पड़ते ही ये जिंदगी निखरती गई, कष्ट मेरे जीवन के सारे प्रीति हरती गई, कष्ट मेरे जीवन के सारे प्रीति हरती गई, मैं आईने की तरह सामने खड़ा रह गया, मैं आईने की तरह सामने खड़ा रह गया, वो मुझे देख दुल्हन सी संवरती गई, वो मुझे देख दुल्हन सी संवरती गई। कभी ये स्थितियां होती हैं और कभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो एक और मुक्तक कि जब से मुझे छोड़कर उसका जाना हुआ, कि जब से मुझे छोड़ उसका जाना हुआ, दिल में हजारों दर्द का ताना वाना हुआ, जब से मुझे छोड़ उसका जाना हुआ, दिल में हजारों दर्द का ताना वाना हुआ, कैसे अता करूं कर्ज उस घड़ी का, कैसे अता करूं कर्ज उस घड़ी का, जिस घड़ी आज फिर मुस्कुराना हुआ, जिस घड़ी आज फिर मुस्कुराना हुआ। मोहब्बत की एक कविता कि कभी वो छोड़ के जाती है, रूठ कर जाती है, और कुछ दिन बाद फिर वो अपने पुराने उसी प्रेम को जताने के लिए वापस आती है। एक शेर, उसके बाद वो कविता शुरुआत करता हूँ कि चाहत में ऐसे पल भी सीने से लगाना होगा, चाहत में ऐसे पल भी सीने से लगाना होगा, दर्द दिल में रख चेहरे से मुस्कुराना होगा, दर्द दिल में रख चेहरे से मुस्कुराना होगा। आइए सुनते हैं कविता। ये घड़ी कई दिन हफ्तों महीनों बाद आई, ये घड़ी कई दिन हफ्तों महीनों बाद आई, यूं मुझे एहसास हुआ कि उसे मेरी याद आई, यूं मुझे एहसास हुआ कि उसे मेरी याद आई, जब हवा का एक बांवरा झोंका खिड़की से टकरा कमरे का सन्नाटा तोड़ा, जब हवा का एक बांवरा झोंका खिड़की से टकरा कमरे का सन्नाटा तोड़ा, जब जिस्म के अंग अंग को अंगड़ाई ने मरोड़ा, जब जिस्म के अंग अंग को अंगड़ाई ने मरोड़ा, तभी हिचकी आई मैं सोचा कौन था, तभी हिचकी आई मैं सोचा कौन था, टेबल पर नजर पड़ी मोबाइल पर उसका फोन था, तभी हिचकी आई मैं सोचा कौन था, टेबल पर नजर पड़ी मोबाइल पर उसका फोन था, आवाज में कुछ भारीपन था न जाने कई रातों से जग रही थी, आवाज में कुछ भारीपन था न जाने कई रातों से जग रही थी, फिर भी पगली मुझसे बात कर बड़ी खुशनुमा लग रही थी, फिर भी पगली मुझसे बात कर बड़ी खुशनुमा लग रही थी, इस कदर वो मुझे फिर अपने पुराने ख्यालों में बहाने लगी थी, इस कदर वो मुझे फिर अपने पुराने ख्यालों में बहाने लगी थी, रूठ कर जिस मोहब्बत से गई थी उसी के कसम वादे निभाने लगी थी, रूठ कर जिस मोहब्बत से गई थी उसी के कसम वादे निभाने लगी थी, रूठ कर जिस मोहब्बत से गई थी उसी के कसम वादे निभाने लगी थी। और अंतिम कविता का अंतिम बंद कि मैं भी उसकी कुछ मीठी बातें और मधुर मुस्कान और तड़पनों में नफरतों को भूल गया, मैं भी उसकी कुछ मीठी बातें मधुर मुस्कान और तड़पनों में नफरत को भूल गया, उसने प्रेम के आलिंगन में फिर से मुझे भरा और मैं उम्र भर के लिए झूल गया, और मैं उम्र भर के लिए झूल गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।